हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मटर की कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कैसे आप लोग घर पे मटर की कचौड़ी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोग घर पर कैसे बना सकते हैं मटर की कचौड़ी। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आटा। आटे में हम थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप इसमें दो या तीन चम्मच डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मसल कर मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गूँथना है। तो आप आटे को जितने अच्छे तरीके से मसल कर गूँथेंगे वो आटा उतना ही अच्छा हो पाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम आटे का एक डो तैयार कर लेंगे। तो आटे अच्छे से गूँथ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रिफाइन ऑयल और पूरे आटे में अच्छे से इसको फैलाकर लगा देंगे, ताकि आटा जो हमारा है वो अच्छे से सॉफ्ट रहे। तो इस तरह से इसको लगा के पूरे में रखना है। अब इस आटे को हम फ्रेंड्स 20 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। तब तक हम मटर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो ये है मटर, ये मैंने ताज़े हरे मटर लिए हैं। अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको एक उबाल आने तक इसको उबाल लेंगे। तो ये देखिए, अब मटर अच्छे से उबल चुका है। इसको मैंने इसलिए उबाला ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मटर को एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको इस तरह से फैला कर रख दें। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें क्या क्या डालना है। सबसे पहले हम थोड़ी सी ऑयल डालेंगे, उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हींग डालेंगे और थोड़ी सी पिसी हुई अदरक डालेंगे और 1 कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम मटर डालेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें मटर डालेंगे और मटर को भी फ्राई कर लेंगे। तो मटर को मैंने यहाँ पे हल्का सा मैश कर दिया था। यहाँ पे ये देखिए, इसको मैश करने से होता है ये कि स्टफिंग को भरने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और सारे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मैं इसको एक बर्तन में बाहर निकाल ली हूँ। तो स्टफिंग भी रेडी हो चुका है। तो 20 मिनट हो चुका है, आटे को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो हम अब आटे को छोटे छोटे लोई में इस तरह से काट लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसी तरह से हम कुछ लोई को काट लेंगे इस तरह से। तो अब हम एक लोई लेंगे और इसको गोल कर देंगे अच्छे से। दोनों हथेलियों को बीच में रखकर इसको इस तरह से गोल करना है। तो अब इसको हम दोनों फिंगर की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा आटे को इस तरह से कर लेंगे, ताकि स्टफिंग अच्छे से इसमें
रखें। तो ये देखिए इसको इस तरह से करना है। अब इसमें हम 2 चम्मच फ्राई किए हुए मटर को डालेंगे और इसको 1 स्पून से इस तरह से दबा देंगे। अब इसको हम फिंगर की हेल्प से इस तरह से गोल करेंगे और इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। इसको बीच बीच में दबाते रहे ताकि इसका जो है फटे नहीं किसी तरह से। अब ये देखिए इस तरह से इसको करना है और ये ऊपर का जो इसको निकला हुआ है इसको हम इस तरह से दबा देंगे फिंगर की हेल्प से। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से इसको करना है। तो इसी तरह से हम सारे को कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इतनी सारे पूड़ियाँ बना ली है। अब एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम पूड़ियाँ को डालेंगे तलने के लिए। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया मटर की कचौड़ी तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम टाइम में बन भी जाता है। तो इसको हम इस तरह से बीच बीच से पलटते रहेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अगर आप इसका फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम देकर इसको अच्छे से तल लें। तो बीच बीच में हम इसको इस तरह से पलटते रहेंगे ताकि ये जले ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से हो चुका है। अब इसको हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। आप इसको इस तरह से छलने में ही निकालें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। तो अब इसको हम एक पेपर पे निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी पूड़ियाँ यहाँ पे तल लिए हैं और इसको बाहर भी निकाल लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी है हमारा गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी और उसके साथ है हरी धनिया की चटनी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पूड़िया तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।